हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज साक्षी और आज हम बात करेंगे 2019 में आई एक हॉरर साईफाई मूवी ब्राइटबर्न की, जिसे डायरेक्ट किया था डेविड यानोवस्की ने। एंड इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग मिला है 6.1 आउट ऑफ 10। सो मूवी स्टार्ट होती है 2006 में, जहां हम एक कपल काइल ब्रेयर और टोरी बेयर को देखते हैं। उनको एक बच्चा चाहिए था, लेकिन किसी वजह से उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। फिर एक रात उनके फार्म हाउस पर एक स्पेसशिप आकर गिरता है। उसमें उन्हें एक छोटा सा बच्चा मिलता है, जिसे वो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं और उसका नाम ब्रैंडन रखते हैं। और उस स्पेसशिप को वहीं पर फार्म में छुपा देते हैं, जिससे किसी को भी इस बारे में पता ना चले। अब कहानी जाती है 2018 में, जहां ब्रैंडन 12 साल का होने वाला है। स्कूल में ब्रैंडन काफी स्मार्ट और ब्राइट स्टूडेंट होता है। एक दिन ब्रैंडन लॉन मोवर मशीन स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, तो गुस्से में वो मशीन को दूर फेंक देता है और मशीन के फैन में अपना हाथ डाल देता है, लेकिन उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, विच मीन उसमें सुपर पावर्स थी। फिर रात में फार्म हाउस से लाल रोशनी आ रही थी और ब्रैंडन उसकी तरफ खिंचा जा रहा था। ब्रैंडन के दिमाग में एक अजीब सी आवाज आ रही थी और वो फार्म हाउस को खोलने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले वो उसे खोल पाता, वहाँ टोरी आ जाती है, जिससे ब्रैंडन होश में आ जाता है और उसे ये तक नहीं याद था कि वो यहाँ कैसे पहुँचा। उसके बाद ब्रैंडन के बर्थडे पर उसके अंकल नोआ उसे एक गन गिफ्ट करते हैं, लेकिन ब्रैंडन के पिता काइल का कहना था कि वो अभी गन चलाने के लिए बहुत छोटा है, जिससे गुस्सा होकर वो काइल से मिसबिहेव करने लगता है और अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर टेबल पर रख के फॉक को चबा जाता है और काइल इस बात से काफी हैरान होता है। फिर ब्रैंडन के रूम को क्लीन करते वक्त टोरी को कुछ अजीब सी ड्रॉइंग मिलती है और उसके साथ साथ वहाँ कुछ लड़कियों की सेमी न्यूड पिक्चर्स भी थी। फिर काइल एंड टोरी सोचते हैं कि ब्रैंडन अब बड़ा हो रहा है, इसलिए उसके अंदर फिजिकली और मेंटली काफी चेंजेस हो रहे हैं। फिर वो एक कैंपिंग पर जाने का डिसाइड करते हैं। कैंपिंग की रात ब्रैंडन वहाँ से भागकर अपनी क्लासमेट कैटलिन के घर जाता है, जहाँ वो खिड़की से कैटलिन को स्टॉक कर रहा था। कैटलिन उसे देख लेती है और चिल्लाना शुरू कर देती है और ब्रैंडन वहां से भाग जाता है। फिर अगली रात ब्रैंडन फार्म के चिकन्स को घूर रहा होता है और आधी रात में सबके सोने के बाद ब्रैंडन उन चिकन्स को मार डालता है। फिर काइल फॉर्म की ये हालत देखकर टोरी को बताता है, लेकिन टोरी काइल से बहस करने लग जाती है कि वो बेकार में ही उस पर शक कर रहा है, एक छोटा बच्चा ऐसा क्यों करेगा। उसके बाद स्कूल में ब्रैंडन अपने दोस्तों के साथ ट्रस्ट फॉल एक्सरसाइज कर रहा था, जहां कैटलिन उसे नहीं पकड़ती, जिस वजह से वो जमीन पर गिर जाता है एंड इससे गुस्सा होकर ब्रैंडन कैटलिन का हाथ तोड़ देता है। ये सब होने के बाद कैटलिन की मॉम काफी गुस्से में होती है और स्कूल से ब्रैंडन को 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके अलावा ब्रैंडन को एक काउंसलिंग भी अटेंड करनी थी, जो कि उसकी आंट मेरेडिथ ही कंडक्ट कर रही थी। उस रात एक बार फिर ब्रैंडन फॉर्म की तरफ अट्रैक्ट होता है। जब टोरी वहां आती है तो ब्रैंडन को हवा में देखती है और फॉर्म का डोर भी खुला हुआ था। टोरी उसे होश में लाती है, जिससे वो ट्रैप डोर के अंदर गिर जाता है और गिरते वक्त ब्रैंडन का हाथ स्पेसशिप पर लगता है, जिससे उसको चोट लग जाती है। और इस बात से हम समझ पाते हैं कि ब्रैंडन के उसके प्लैनेट के मेटल्स ही उसे हार्म कर सकते हैं। और फिर इस बार ना चाहते हुए भी टोरी को ब्रैंडन की सच्चाई उसे बतानी पड़ती है कि वो इसी स्पेसशिप में मिला था। ये बात सुनकर ब्रैंडन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी आंखों से लेजर छोड़ता है। नेक्स्ट डे ब्रैंडन कैटलिन के घर जाता है, जहाँ कैटलिन बोलती है कि उसकी मॉम ने उसे ब्रैंडन से बात करने को मना किया है। और इस बात से गुस्सा होकर ब्रैंडन रेस्टोरेंट पहुंच जाता है, जहां कैटलिन की मॉम एरिका काम करती है। क्लोजिंग टाइम होने के कारण वहां एरिका के सिवा कोई नहीं था और ब्रैंडन एरिका को डरा कर उसे बुरी तरह मार डालता है। फिर पुलिस को एरिका की बॉडी तो नहीं मिलती, लेकिन वो वहां ग्लास पर एक अजीब से सिंबल नोटिस करते हैं। दूसरी तरफ मेरेडिथ को जब ब्रैंडन के बर्ताव में कोई बदलाव नजर नहीं आता, तो वो ब्रैंडन को कहती है कि ये सब उसके पेरेंट्स को उसे अपडेट करना होगा। फिर रात में ब्रैंडन मेरेडिथ के घर पहुंचता है और उसे कुछ भी ना बताने के लिए वार्न करता है, लेकिन वो उसे घर जाने के लिए कहती है।
फिर घर में ब्रैंडन के अंकल नोवा आ जाते हैं और ब्रैंडन को क्लोजेट में छुपते हुए देख लेते हैं। वो ब्रैंडन को उसके घर लेकर जाते हैं, जिससे रास्ते में वो नोवा पर हमला कर देता है। नोवा कार लेकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रैंडन उसे बुरी तरह मार डालता है और नोवा के ब्लड से अपना सिंबल ड्रॉ कर देता है। उसके बाद मेरेडिथ से काइल और टोरी को भी पता चलता है कि उस रात ब्रैंडन उनके घर आया था। काइल को ब्रैंडन पर पहले से ही शक था। वो ब्रैंडन से सच जानने की कोशिश करता है और ब्रैंडन अपने पिता को धक्का मारकर वहां से भाग जाता है। फिर ब्रैंडन के रूम की तलाशी पर काइल को एक शर्ट मिलती है जिस पर नोवा का खून लगा था। वो टोरी को ये सब कुछ बता देता है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो काइल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती है। काइल समझ जाते हैं कि ब्रैंडन सबके लिए खतरा बन चुका है। वो ब्रैंडन को एक ट्रिप के बहाने ले जाते हैं और उसके सिर पर गोली चला देते हैं, लेकिन गोलियों से उसे कुछ भी नहीं होता और गुस्से में आकर ब्रैंडन लेजर आइस से अपने पिता को ही मार डालता है। दूसरी तरफ टोरी को ब्रैंडन के रूम से वही सिंबल और एरिका एंड नोवा के मरने का स्केच भी ड्रॉ किया हुआ मिलता है। अब सब पता लगने के बाद टोरी काइल को फोन लगाती है, लेकिन फोन ब्रैंडन उठाता है और कहता है कि काइल अब नहीं रहा। फिर ब्रैंडन टोरी को मारने घर आ जाता है और पूरे घर को तोड़ने लगता है, क्योंकि वो अब समझ चुका था कि वो भी उसके अंगेस्ट हो गई है। फिर टोरी डर कर पुलिस को फोन करती है और पुलिस वहां आ जाती है, लेकिन ब्रैंडन उन पुलिस वालों को भी पूरी तरह से मार देता है। इसी बीच टोरी को याद आता है कि वो शिप ही ब्रैंडन को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो फार्म हाउस जाती है उस स्पेसशिप के पास, लेकिन उसे वहां एरिका की कटी हुई लाश मिलती है। एंड टोरी शिप से एक टुकड़ा ले आती है। फिर टोरी ब्रैंडन को हग करके प्यार से समझाने की कोशिश करती है और पीछे से उसे स्टेप करने जाती है, लेकिन ब्रैंडन टोरी को पकड़ लेता है और गुस्से में वो अपनी माँ को हवा में काफी ऊपर ले जाकर नीचे गिरा देता है और टोरी की मौत हो जाती है। फिर हवा में ब्रैंडन को एक प्लेन दिखता है और वो प्लेन को अपने घर पर क्रैश कर देता है, जिससे सबको लगे कि उसकी फैमिली की मौत प्लेन क्रैश से हुई है। और तो और प्लेन के सारे पैसेंजर्स भी मारे जाते हैं। मूवी के क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं कि ब्रैंडन अब सब कुछ तबाह कर रहा है। वो बिल्डिंग्स गिरा रहा है, जंगल जला रहा है और ब्रैंडन के साथ साथ न्यूज से कुछ और इविल सुपर विलेंस के बारे में भी पता चलता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। Watch. I know why they ain't know me, so I switch plots. Now we're running out of fuel, so fuck a pit stop. Hold the wrist, I had to get the bag.